और हिल टॉप के ऊपर रैंगल पर भी हमको ये दोनों टीम्स नजर आएंगी आपस में लड़ती हुई। नेट दोनों साइड से जाते हुए एश ने वहां पे एफपीपी में सोच करके नेट फेंका था और काफी पास लैंड हुआ था एलिमेंट के प्लेयर्स के, डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा था पान सिंह और वैम्पायर को जिनकी हेल्थ बहुत बहुत ज्यादा लो कर दी गई थी। वैम्पायर 50% पे आए थे, पान सिंह को उतना नहीं पड़ा था, वो स्टिल सिटिंग एट 70-75% एचपी। बट एक और नेट आता हुआ और ये बिल्कुल वैम्पायर के कदमों में जाके गिरा था। किसी तरह वहां पे वैम्पायर जो है उस नेट से आगे हटकर आ गए, डैमेज उन्होंने कुछ करके डॉज किया वहां पे। बट एलिमेंट यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुकी है जिस हिसाब से फनाटिक अपना यूटिलिटी यूजेस दिखा रही है। बिल्कुल दो दो का स्प्लिट यहां पे फनाटिक ने करा है, दो प्लेयर आगे मैक्स कश और एश। अब यहां पे स्मोक्स के चलते यहां पे आगे जाने की कोशिश जरूर करेंगे बट यहां पे यूटिलिटीज का यहां पे भरपूर उपयोग करते हुए यहां पे फनाटिक प्लस वापस से और थोड़े बहुत ग्रेनेड्स यहां पे डाले थे। बट अब बारी आ चुकी है क्लोज एनकाउंटर फाइट की, मैक्स कश यहां पे अकेले जरूर रहेंगे, उनके ऊपर दो प्लेयर चढ़ेंगे। एश भी यहां पे नॉक डाउन कर चुके बट ओवेज का पीछे से एडीएस आता हुआ पान सिंह को नॉक करने के लिए। सांगवान अब देखते हैं किस तरीके का कवर फायर देंगे, अल्ट्रॉन यहां पे वापस से जाते हैं। अब देखते हैं अब यहां से अगर आप पीक दे तो पीछे से ओवेज कवर फायर दे, फ्रैंकी थे पीछे डैमेज अच्छा करता दे चुके बट यहां पे एक सांगवान का ग्रेनेड गया, क्या वो नॉक डाउन? यस यहां पे ओवेज नॉक डाउन होंगे सांगवान के ग्रेनेड के द्वारा। मैक्स कश एक और नॉक निकालते हुए यहां पे अल्ट्रॉन नॉक डाउन होंगे, मैक्स कश यहां पे नॉक डाउन से सांगवान के बैकअप के द्वारा। फ्रैंकी आगे जाते हुए अल्ट्रॉन को पूरा फिनिश करेंगे। यस पानसिक भी यहां पे ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके, सांगवान फिनिश हो चुके, वैम्पायर इज लास्ट स्टैंडिंग ओवर देयर। फनाटिक का पूरा स्क्वाड अभी भी जिंदा रह सकता है अगर वो लोग हंट डाउन करेंगे वैम्पायर। अब देखते हैं स्मोक डालने की कोशिश जरूर करें, सांगवान फिनिश हो जाएंगे, दिस विल बी 1-4 फॉर वैम्पायर। ओपी एलिमेंट का स्क्वाड वापस से एक फिनिश यहां पे देख सकता है। यहां पे एश को नॉकडाउन जरूर करेंगे बट वैम्पायर को यहां पे अब जूझना पड़ेगा तीन प्लेयर से वापस, एंड ही विल गेट फिनिश। बट उससे पहले वो एश को फिनिश करके जाते हैं जो कि बड़ा अपसेट रहेगा, क्या कवर फायर वहां पे मिल सकता था बिफोर दिस रिवाइवल। अब यहां पे फ्रैंकी अब देखते हैं किस तरीके से अपनी टीम को रिवाइवल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी भी पॉसिबल है जॉनी, बिकॉज एक जॉर्ज पोल हिल की हम बात करें कंटेनर से आपको टीम यहाँ पे स्नाइप कर सकते, बट इसके चलते डीटी के प्लेयर्स को यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं टीम आईएनडी स्लेयर।